वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से बीएड, एमएड, बीए बीएड या बीएससी करने वाले नियमित और भूतपूर्व विद्यार्थियों, आपके लिए एक अपडेट है। हालांकि काफ़ी दिन हो गए प्रेस नोट जारी किए हुए, लेकिन मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, पूरी प्रोसेस को आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे दूँ कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा बीएड, एमएड और बीए बीएड, बीएससी बीएड यानी जो इंटीग्रेटेड बीएड के, उसके लिए 14 जून से जो परीक्षा के फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए हैं, और इसके लिए बिना विलंब शुल्क है वो 13 जुलाई तक या पात्रता की अंतिम जो तारीख जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, यानी अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का बीएड या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन तक बिना विलंब शुल्क के आप आवेदन कर सकते हैं, और प्रिंटेड हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है, और ₹50 के विलंब सहित 27 जुलाई तक कर सकते हैं, और 29 जुलाई तक आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करानी है, और दुगने शुल्क के साथ में 3 अगस्त तक और 4 गुना शुल्क के साथ में 10 अगस्त तक आपको ये कॉपी जमा करानी है। अब इसके लिए आपको जो जयनारायण व्यास की जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करके आपको ये अप्लाई करना है, और आवेदन जैसे इसके लिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन है, तो पहले आपको आवेदन करना है, उसको सही फॉर्मेट को चुनना है, और ऑनलाइन आप सबमिट करने के बाद में उसका चालान प्रिंट करना है, और आवेदन शुल्क है वो आपको जमा कराने के पहले आप आवेदन जो भी प्रिंट करें उसको चेक कर लें, सभी प्रविष्टियाँ सही हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भरें, और उसके बाद में चेक करने के बाद में अग्रेषण शुल्क उसके बाद ही जमा कराएं, ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं हो, और नेफ्ट से या आरटीजीएस से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी आप उसका पेमेंट है वो जमा करा सकते हैं। अब इसके लिए जो भी दस्तावेज है वो आपको अपने जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है जो विश्वविद्यालय में आपको संबंध जो है उसमें जमा कराना है, और अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक या द्वितीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष परीक्षार्थी अपने कंटिन्यू पाठ्यक्रम हेतु इस विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं करे, यानी जो अध्ययनरत विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालय में है जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ नहीं करें, यानी इस यूनिवर्सिटी में जो इनरोल्ड है या पहली बार इनरोल्ड हो रहे हैं वही करें, उनका कहीं और यूनिवर्सिटी में नामांकन या रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये विशेष बात थी। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में JNU आपको टाइप करना है, और JNU टाइप करने के बाद में यहाँ आपको क्लिक करना है, ये क्लिक करने के बाद में आपको ये JNU की जो मेन वेबसाइट खुल जाएगी, इसके नीचे इसमें खूब सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको ये नीचे ऑप्शन आएगा एक एग्जाम फॉर्म 2021-22 है, इस पर आपको क्लिक करना है 2021, तो ये दो एग्जाम फॉर्म 2021-22 जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के जो ऑप्शन खुलेंगे, फॉर प्राइवेट स्टूडेंट है, JNVU कैंपस के स्टूडेंट है, अब डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह, तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप किसी जैसे आप बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीए बीएड कर रहे हैं, 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो आपको अपने जो कॉलेज से संबंधित फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है फॉर एफिलेटेड कॉलेज रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे जिसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एक पहला है क्लिक ईयर टू फिल रेगुलर ये एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा है कि एक्स स्टूडेंट उनके लिए ये अलग है, और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आपको पढ़ना है तो इसके लिए यहाँ है इम्प्रूवमेंट रेगुलर के लिए ये अलग है और इम्प्रूवमेंट एक्स स्टूडेंट के लिए अलग है। अब जैसे मैं BA BEd फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ जो रेगुलर है, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लॉगिन यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से आपको लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। अब जैसे कोई सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा है यानी BA BEd सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, तो इसको के लिए आपको यहाँ क्लिक ईयर फोर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको पता होगा जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के दायरे में जो जिले आ रहे हैं उसमें जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है, पाली और जोधपुर ग्रामीण, इन क्षेत्रों के कॉलेज से संबंधित स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर पाएंगे, यानी इन जिलों में जो भी कॉलेज स्थित है वहाँ अध्ययनरत करने वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर पाएंगे। अब जैसे मैं एक जालोर के स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जो ऑप्शन है कॉलम है वो आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्म भर के आगे का प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ आपको छात्र का नाम भरना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, या उसका नाम हिंदी में भरना है, फिर यहाँ पिता का नाम भरना है या माता का नाम भरना है, यहाँ माइनॉरिटी में है तो यस करना है अन्यथा नो करना है, उसके बाद में छात्र की कैटेगरी है
जनरल है या कश्मीरी माइग्रेंट है, ओबीसी है, अदर स्टेट से है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, एसटीएससी है, एसबीसी है, ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको राज्य सेलेक्ट करना है, तो राजस्थान से तो सामान्य रूप से राजस्थान सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपको जन्म तारीख सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, और मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ आपको इंडियन है तो इंडियन, और इसके बाद में यहाँ रिलीजन है, धर्म है आपका, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर क्या आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये नंबर मांगेगा, अगर नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ब्लड ग्रुप है आपको वो भरना है, और ये स्टार है तो अनिवार्य रूप से भरना है। यहाँ आपको आधार संख्या भरनी है, ये स्टार नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में क्या आप अनाथ है, ये से तो भरना है नहीं तो छोड़ देना है। क्या आप विश्वविद्यालय वार्ड है यानी ओनली फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये भी नहीं भरना आपको। शारीरिक रूप से विकलांग है तो इस पर क्लिक करना है, अन्यथा छोड़ देना है। अब जो करंट सेशन वर्तमान सेशन है वो आपका कौन सा है, तो 2021 है या 2021-22 है, तो 2021-22 से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ सबसे आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपको कैटेगरी जो अपनी है उपाधि डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है, जैसे अंडर ग्रेजुएट का मतलब आप यूजी कर रहे हैं यानी कि आप एमएड कर रहे हैं तो नहीं सॉरी आप बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं तो यूजी में आएगा, आप एमएड कर रहे हैं तो पीजी में आ जाएगा, और डिप्लोमा कोई कर रहे हैं तो यूजी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा में आ जाएगा। अब जैसे मैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर का कर रहा हूँ तो ये अंडर ग्रेजुएट में यूजी में आ जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी है आपको रेगुलर करनी है, और यहाँ आपको मीडियम है जैसे हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आप जो उपाधि है, अब यहाँ से जैसे मैंने यूजी सेलेक्ट कर दिया तो आपके पास में दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो बीएससी बीएड या बीए बीएड। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं बीए बीएड स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ बीए बीएड, अब यहाँ सेमेस्टर है तो सेमेस्टर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ। उसके बाद में कॉलेज का नाम है तो आपको यहाँ कॉलेज का नाम अभी नहीं आएगा, जब ये पूरे मैं आगे ऊपर की डिटेल भर दूंगा तो यहाँ कॉलेज का नाम आएगा। इस चेक लिस्ट से आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम है वो भी आपको जब ये होगा तब आएगा। उसके बाद में आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद भर के बताऊँगा। खाता नंबर, खाता धारक का नाम, कोई भी बैंक अकाउंट आपको देना है और उसमें अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद में खाता धारक के साथ आपका क्या संबंध है यानी कि ब्रदर है, फादर है, हस्बैंड है, मदर है, सिस्टर है, वाइफ है या अदर है। अदर में मान लो आप खुद का है तो आपको यहाँ सेल्फ लिखना है, और अगर आपके पिताजी का है तो फादर का लिख देना है, मदर का लिख देना है, जो भी है। और बैंक का नाम लिखना है, किस बैंक का आपका खाता है, SBI का है या आंध्रा बैंक का है या पंजाब नेशनल बैंक का, जिसका भी है वो आपको यहाँ लिखना है। IFSC कोड बैंक के लिखना है। उसके बाद में आपका परीक्षा परिणाम रिवोल्यूशन के तहत हुआ तो यहाँ लिखना है, अन्यथा छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ 10वीं के रोल नंबर लिखने हैं और 10वीं के SR नंबर, 10th मार्क लिस्ट के SR नंबर यानी 10th मार्क लिस्ट सीरियल नंबर लिखना है आपको, 10वीं मार्क लिस्ट के जो सीरियल नंबर है, और 10वीं किस साल में उत्तीर्ण की वो आपको यहाँ साल लिखना है। ये लिखने के बाद में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो मैं एक बार आपको ये पूरी डिटेल भर के बाद में उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको बताता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, तो मैं इसको भर के फिर आगे का जो प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये आपको यहाँ कैंडिडेट का नाम भरना है, हिंदी में नाम भरना है, और नाम वही भरना है जो आपको मार्क लिस्ट और डिग्री के अंदर ये शो होगा, इसलिए सही भरना है। ये कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर्स में भरना है, फादर का नाम भरना है, मदर का नाम भरना है, माइनॉरिटी है तो यस नहीं तो नो करना है, कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है वो सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, राजस्थान, डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फिर धर्म है वो भरना है, ब्लड ग्रुप भरना है और आधार संख्या भरनी है। उसके बाद में यहाँ करंट सेशन 2021-22 अंडर ग्रेजुएट का मैं भर रहा हूँ, रेगुलर है कैटेगरी, और माध्यम हिंदी, उपाधि बीए बीएड है, और इसमें सेमेस्टर है तो बीए बीएड फर्स्ट ईयर होगा। फिर आपको जो कॉलेज की लिस्ट आएगी उसमें से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, फिर उसमें दो इंटीग्रेटेड बीएड है तो इसी का सेलेक्ट करना है आपको सब्जेक्ट नेम में। उसके बाद में अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर के नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, स्टूडेंट से संबंध खुद का है तो सेल्फ नहीं तो फादर मदर जो भी है, फिर बैंक का नाम, IFSC कोड भरना है। उसके बाद में यहाँ 10वीं के रोल नंबर भरने हैं और 10वीं के सीरियल नंबर, मार्क लिस्ट का जो सीरियल नंबर है आपको मार्क लिस्ट के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिखेगा, और आपने किस साल में 10वीं की थी वो उत्तीर्ण वर्ष का ईयर लिखना है, और यहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, काइंडली नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये और योर डेट ऑफ बर्थ इज ये। अब इसके बाद में आप यहाँ क्लिक कर पाएंगे तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार नोट कर लें, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना है, तो अब जैसे यहाँ क्लिक लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक एयरपोर्ट लॉगिन,
तो यहाँ आपको फिर वही बात है कि यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख करके फिर मैं आपको यहाँ आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ सारा फॉर्म खुल जाएगा, काफ़ी चीज़ें डिटेल्स आपके ऑलरेडी फिल्ड आएगी। अब जैसे यहाँ पंजीयन ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में जो आपको डिस्ट्रिक्ट आ गया, नाम आ गया हिंदी में, नाम आ गया पिता का नाम, माता का नाम आ गया। अब यहाँ आपको पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, माइनॉरिटी का आ गया, कैटेगरी आ गई मेल फीमेल आ गया, राजस्थान आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मोबाइल नंबर आ गई, धर्म आ गया और आधार नंबर आ गया। उसके बाद में यहाँ बैंक की जो डिटेल थी वर्ष सत्र की 2021-22, अंडर ग्रेजुएट आ गया, रेगुलर हिंदी माध्यम आ गया, बी ए बी एड फर्स्ट ईयर आ गया, कॉलेज का नाम आ गया, इंटीग्रेटेड आ गया और अकाउंट की डिटेल आ गई। अब यहाँ आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे करना है। जो भी जानकारी है आपको, अब जैसे अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंदी में नाम बाकी है तो हिंदी में नाम आपको भरना है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैं अब बता रहा था, यहाँ जो हिंदी में नाम भरने थे, पिता का नाम और माता का नाम, वो मैंने भर दिए। बाकी ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फिल हो करके डिटेल आ गई है। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है कि सभी विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट का चयन ध्यानपूर्वक करें, इसी सब्जेक्ट के आधार पर आपके जो एग्जाम पेपर है वो प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ जैसे सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें, तो वो अगर आप खाली बीएड है तो खाली बीएड का करना है, और अगर मान लो आपके बीएससी बीएड है तो उसमें भी इंटीग्रेटेड बीएड ही आएगा। और ये सारी जानकारी इसमें अपडेट करना, अपडेट क्यों करना, क्योंकि हिंदी में नाम जोड़े हैं इसलिए यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट के क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो भी डिटेल है वो यहाँ अपने आप सेव होगी, जैसे हिंदी में नाम है, नाम पिता का नाम, माता का नाम, ये सारे आ गए। उसके बाद में ये 10वीं के रोल नंबर का सारे आए, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे आपको पासिंग ईयर, जैसे 10th का है तो 10th का आ गया। अब किस बोर्ड से की है तो आपको यहाँ जैसे राजस्थान बोर्ड से की है तो ये राजस्थान बोर्ड का मतलब ये राजस्थान बोर्ड ही यहाँ है। तो अब जैसे अन्य बोर्ड से की है तो बाकी, अब जैसे विशेषज्ञता कोई है नहीं, ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग थी तो ठीक है, नहीं तो नो लिखना है आपको। और इसमें CGPA है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब जैसे ग्रेडिंग होगी तो ये लागू होगा। अब अधिकतम अंक कितने थे आपको वो भरने हैं, तो अधिकतम अंक जैसे 10वीं में 600 थे तो 600 यहाँ भरने हैं आपको, ये 600 में भरा हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको प्राप्तांक कितने हुए हैं, तो प्राप्तांक आपको जो भी आए हैं 424 जैसे आए तो मैं 24 भर रहा हूँ, अब ये हो गए। उसके बाद में आपको परीक्षा स्ट्रीम है, तो अब स्ट्रीम जैसे स्ट्रीम के लिए आपको ये इंटरमीडिएट के भरने हैं यानी 12वीं के भरने हैं। तो जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स भरने हैं और साइंस है तो साइंस भरने हैं। अब जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स विदाउट होम साइंस या विथ मैथ्स है, आर्ट्स विदाउट मैथ्स है तो होम साइंस है। तो अब जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स ही भरना है इसको। उत्तीर्ण वर्ष है 2019 है तो 2019 भरना है। और उसके आगे की जो भी डिटेल है वो मैं एक बार भर के आपको फिर जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो यहाँ आपको 10वीं की डिटेल भरनी है, उसके बाद में यहाँ इंटरमीडिएट यानी 12वीं की डिटेल भरनी है, उसमें आर्ट्स या जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से तो वहाँ पढ़ना है। सब्जेक्ट विशेषज्ञता नहीं है फिर भी आप 12वीं के सब्जेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टार लगा हुआ है। फिर ग्रेडिंग है तो यस नहीं तो नो, और अधिकतम अंक कितने हैं वो भरने और कितने प्राप्त अंक है वो भरने। उसके बाद में यहाँ सेव पे आपको क्लिक करना है। तो ये सेव पे क्लिक करने के बाद में आगे का जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आगे का सेव करके आपको बताता हूँ। ये 10वीं 12वीं की डिटेल सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे आपको एड्रेस डिटेल भरनी है, जिसमें एड्रेस भरना है और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गए हैं, राज्य जिला जो भी भरना है। अब इसमें एक तो एड्रेस भरना पत्राचार वाला, दूसरा भरना है स्थायी पते का। अगर आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वहीं पत्राचार का है तो आपको यहाँ सेम एज अबो पे क्लिक करेंगे तो डिटेल ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी और उसको सेव करके फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट भरना है, फिर उसके बाद में प्रीवियस रिजल्ट भरना है, फिर एग्जाम फॉर्म भरना है और लास्ट में लॉगआउट का ऑप्शन है। तो अब मैं यहाँ जो पत्राचार की डिटेल है वो भर के फिर आपको एक बार और बताता हूँ। एड्रेस सेव के बाद में यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसकी 100 KB लिमिट है। उसके बाद में आपको हस्ताक्षर अपलोड करना है जिसकी लिमिट 100 KB है। उसके बाद में अपलोड लास्ट ईयर मार्क लिस्ट, पिछले वर्ष की जो मार्क लिस्ट है। अब जैसे आप यहाँ फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो 12वीं की मार्क लिस्ट है जिसकी 500 KB तक लिमिट है, ये आपको भरना है। और इसमें एक लिखना है कि अगर विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में DU या डेफिशिएंसी या AT KT है तो से पास किया, तो आप सभी अंक तालिका एक ही PDF में अपलोड करें। और इसकी जो फॉर्मेट है, अब फोटो अपलोड फोटो हस्ताक्षर है ओनली JPG PNG BMP या PDF फाइल सपोर्ट करेंगे। तो आपको इस इन फॉर्मेट में आपको ये साइन और फोटो करना है।
और जो पीडीएफ है 10वीं की या 12वीं 12वीं की मार्क लिस्ट की, या जो भी अंतिम है, अगर आप सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्क लिस्ट है उसकी 500 KB में आपको बना करके अपलोड करनी है। तो ये मैं अपलोड करके फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है जिसकी 100 KB लिमिट है, हस्ताक्षर अपलोड करने जिसकी लिमिट 100 KB है, और लास्ट मार्क ईयर की मार्क लिस्ट है 10 12वीं की मार्क लिस्ट है। अगर आप चाहें तो 10वीं की भी इसमें ऐड करके दोनों की कंबाइंड पीडीएफ बना सकते हैं, और 500 KB तक तो इसको रखना है। उसके बाद में यहाँ सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है वो खुल जाएगा, और जैसे आ गया डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ जैसे सेव हो गया उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ जो प्रीवियस रिजल्ट है, अब जैसे प्रीवियस रिजल्ट का मतलब हो गया कि अगर यदि DU पेपर कोई बाकी है तो उसके संबंध में आपको यहाँ कुछ करना है। आप अगर फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ नो रिकॉर्ड आएगा, और इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको जो एग्जाम फॉर्म है वो भरना है। तो यहाँ आपका नाम आ गया, अब पिता का नाम चेक करना है, माता का नाम, कॉलेज का नाम आ गया, उपाधि BA BEd आ गया, और डिग्री BA BEd फर्स्ट ईयर आ गया, इंटीग्रेटेड BEd जो विषय है वो आ गया, जन्म तारीख आ गई, रेगुलर आ गया, और क्या आप पहले से दाखिल लिया हुआ तो नहीं है। अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको सामान्य हिंदी या सामान्य इंग्लिश में से एक को सेलेक्ट करना है। उस तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद में दूसरा है कि यहाँ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग जो विषय आपको लेना है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य लेना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लेना है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लेना है, और जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस लेना है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी, जो भी विषय है ये आपको लेना है। और जो अनिवार्य विषय है ऑटोमेटिकली आपके आगे पेपर फर्स्ट है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकेंड है बेसिस इन द एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये कंपल्सरी है ऑटोमेटिक आगे। एनी ऑफ द फॉलोइंग यानी आपको हिंदी और इंग्लिश जो अनिवार्य है उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, और जो सब्जेक्ट है आपको तीन सेलेक्ट करने हैं जो BA के विषय है। तो जैसे मैंने हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटिकल कर दी, इंग्लिश नहीं है, संस्कृत नहीं है, और सोशोलॉजी ज्योग्राफी नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद में लास्ट कोई पेपर है तो वो करना है। उसके बाद में आपको यहाँ वेरीफाई पेपर पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको ये वेरीफाई का जो ऑप्शन है, यहाँ वेरीफाई हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ आपको चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ टिक मार्क हो गया, ये तीन ये हो गए, सामान्य हिंदी पे टिक मार्क हो गया, हिंदी लिटरेचर पे हो गया, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस पे हो गया, और हिस्ट्री पे हो गया। अब हिस्ट्री का जैसे ये पेपर एक होगा, पॉलिटिकल साइंस के यहाँ तीन पेपर आएंगे और एक पेपर हिस्ट्री का, ये नीचे आ रहा है, और दो पेपर हिंदी के आ जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये चार ये हो गए, और दो छः ये हो गए, एक जो भी कंपलसरी हो गया, और तीन ये कंपलसरी, ये चार कंपलसरी हो गए और चार छः ऑप्शनल हो गए। और यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ आपको करना है कि आर यू श्योर टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म, आफ्टर द सबमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी पर्सनल एड्रेस डॉक्यूमेंट डिटेल, कोई भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक बार आप और चेक कर लें, खास करके जो सब्जेक्ट है ये तीन ये हो गए, सामान्य हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और उसके बाद में हिंदी लिटरेचर है, उसको मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आ गया रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ आपका पूरा फॉर्म है वो आपको जनरेट हो गया, जैसे ये नाम आ गया, पिता का नाम, ये सारा आ गया, सब्जेक्ट आ गए। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ प्रीव्यू का फॉर्म आ गया कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी आप चेक करें, करंट सेशन आ गया, अभी ऊपर पिता का नाम वगैरह वो सारा आ गया। उसके बाद में यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएट आ गया, रेगुलर BA BEd, BA BEd फर्स्ट ईयर आ गया, कॉलेज का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 10वीं के जो 10वीं 12वीं के जो सब्जेक्ट आ गए, कोर्स 2000 कौन से साल में की है, ऑप्टेंड मार्क्स कितने हैं, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गए। और यहाँ 2019 में जैसे 10वीं की थी तो इसमें कितने सब्जेक्ट थे वो, तो ऑल सब्जेक्ट लिख दिया क्योंकि 10वीं में सब्जेक्ट सब कंपलसरी है, और उसके बाद में यहाँ परसेंटेज आ गए, और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये 10वीं के रोल नंबर है, आपको एक बार और वेरीफाई कर लेना है कि 10वीं के रोल नंबर यहाँ, जैसे आपको एक बार और देख लेना है, और उसके बाद में ये कॉपी के जो 10वीं की जो मार्क लिस्ट के सीरियल नंबर है वो भी आपको देखना है, उसके बाद में किस साल में की वो करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे आपको यहाँ कैंडिडेट के एड्रेस को वेरीफाई करना है, फोटो करना है। अब जैसे अंक तालिका नहीं आई है तो आपको ये अंक तालिका हो सकता है PDF, इसलिए ये शो नहीं होगी। और अब इसको मान लो आप नेक्स्ट करने से पहले, इसको अगले जाने से पहले पेज को सुरक्षित कर लें, तो सुरक्षित का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो भी आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे आपको यहाँ पेपर दिखेंगे, आधार, ये जैसे फर्स्ट पेपर है आधार पे
पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी, फिर चाइल्ड हुड बेसिस बेसिक एजुकेशन है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, और हिंदी लिटरेचर हो गया, दो पेपर, दो हिस्ट्री के हो गए और दो पॉलिटिकल के हो गए। अब यहाँ परीक्षा शुल्क आपके एग्जाम फीस 1,000 रुपये, एनरोलमेंट फीस 30 रुपये, मार्क लिस्ट फीस 50 रुपये, कुल 1,050। उसके बाद में ये और एडमिट कार्ड की फीस 25 रुपये और ऑनलाइन फॉर्म की फीस 300, ये 325 कुल मिला करके 1,405 रुपये है। अब यहाँ आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है कि आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ द एग्जाम फॉर्म फीज टू बी डिपॉजिटेड बाई मी इफ आई एम डिक्लेयर्ड फेल, कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं किसी प्रकार के जो एग्जाम फीस की रिफंड के लिए क्लेम नहीं करूँगा। और यहाँ आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको कहीं चेक करना है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो आप इसको बैक जा करके आप चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पेमेंट जो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, और पे नाउ के जो ऑप्शन पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का मैसेज आएगा, जैसे ऑनलाइन है ऑफलाइन का है नहीं, इसमें बैंक ऑफ BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है या ICICI बैंक है या कोई भी बैंक है ऑफलाइन, तो इसको आपको करना है और कंटिन्यू पे फॉर पेमेंट पे करना है। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब जैसे विद्यार्थी UPI से पेमेंट ना करें, UPI पेमेंट में समस्या आ रही है तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, अब जैसे डेबिट कार्ड है कोई भी आपको तो वहाँ इसको सेलेक्ट करके इसका पेमेंट करना है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो ये फॉर्म भरने का जो पूरा तरीका था मैंने आपको बता दिया। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।